नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम सियासी दल वहां पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की जुगत में हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में नतीजे आए हैं उसको लेकर बहुत उत्साहित है और यही वजह है कि अमित शाह ने खुद पश्चिम बंगाल की कमान संभाली है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी तमाम दावे कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनकी पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं में बगावती सुर नजर आ रहे हैं। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें चार मंत्री नदारद रहे और बताया तो ये जा रहा है कि इनमें से दो मंत्री ऐसे थे जो कोरोना से संक्रमित हैं इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन दो ऐसे मंत्री बताए जा रहे हैं जिन्होंने लगातार बगावत के सुर छेड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी की किसी भी बात से, किसी भी नीति से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, ये हमेशा से एक फैक्ट रहा है कि जब भी किसी पार्टी के नेता या मंत्री बागी होते हैं तो पार्टी को नुकसान होता है और दूसरी पार्टी को फायदा होता रहा है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के बगावती सुर टीएमसी में देखने को मिलते हैं तो ये दीदी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक गलियारे होते हैं उनमें अपनी पैंठ बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए तमाम तरह के दांवपेच अपनाए जाते हैं और शायद यही वजह है कि टीएमसी अब अलग तरह का रंग इस बार विधानसभा चुनावों में दिखा सकती है। पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके काफिले पर जिस तरीके से कल हमला किया गया, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाई हुई हैं और जिस तरीके से तमाम राज्यों में बीजेपी को बंपर जीत मिली है, उपचुनाव हो चुनाव हो, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये जो बौखलाहट है ये ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और दूसरी तरफ बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए, या मैं कहूं और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अमित शाह खुद मैदान में है। अमित शाह ने तो ये तक कह दिया है कि 200 से ऊपर सीटें इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में लेकर आएगी और उन्होंने ये भी कहा कि जैसा हमने पहला दावा किया था कि 20-22 सीट हम निकाल लेंगे, 18 सीटें हमने वहां पर निकाल ली थी, तो इसलिए जो लोग हंस रहे हैं वो हंसते रहे, जो मजाक उड़ा रहे हैं वो उड़ाते रहे, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में भगवा ही लहराएगा। तो जाहिर है अब इस तरीके का बयान अगर अमित शाह देंगे, प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में पश्चिम बंगाल का जिक्र करेंगे तो उसके मायने तो बहुत हैं, जो कि ममता बनर्जी भी समझ रही हैं। बहरहाल, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।